ये देखिए, ये पैटर्न जो है मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। मैं ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपना यूज़ करूंगी। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो पैटर्न है, ये डिज़ाइन जो है, ये बहुत इजी है। बिगनर्स के लिए भी इजी है और न्यू लर्नर्स के लिए इजी है। तो ये मैं आपको आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मल्टीपल ऑफ 8 का पैटर्न है और 12 रोज में मुकम्मल होता है। इसको पॉपी बर्ड्स, पॉपी फ्लावर्स कह रहे हैं, पॉपी बर्ड्स कह रही हैं डिज़ाइन का नाम। तो ये चलें आज आपको बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने 21 फंदे डाले हैं। तो पहली रो जो हम दो रोज जो हैं वो हमारी बेस रोज होंगी। तो पहला जो है वो हम स्लिप करेंगे, ये एज स्टिच धागा पिक अप करके। तो 3 उल्टे बनाएंगे, 1, 2 और 3। उसके बाद 1 सीधा, फिर 3 उल्टे, 1, 2, 3, फिर 1 सीधा, फिर 3 उल्टे, 1, 2, 3, फिर 1 सीधा, फिर 3 उल्टे, 1, 2, 3, 1 सीधा, फिर 3 उल्टे और आखिरी एच स्टिच भी उल्टा, 1, 2, 3, आखिरी एच स्टिच भी हमने उल्टा बनाएंगे। ये हमारी पहली रो है। अब सेकंड रो जो है, ये हमारी रॉन्ग साइड जो है वो जैसे जो नज़र आ रहा है वैसा बनाते हैं। पहला स्लिप, 3 सीधे जो 3 उल्टे वहाँ से बनाए थे, 1, 2, 3, 1 उल्टा, फिर 3 सीधे, 1, 2, 3, फिर 1 उल्टा, फिर 3 सीधे, 1, 2, 3, 1 उल्टा, फिर 3 सीधे, 1, 2, 3, फिर 1 उल्टा, फिर 3 सीधे, 1, 2, 3 और आखिरी एच स्टिच उल्टा। ये हमारी दो बेस, हमारी ये लाइंस थी। अब ये हमारा डिज़ाइन अब शुरू होगा प्रॉपर। तो पहला स्लिप और 3 उल्टे, 1, 2, 3 और ये जो हमने सीधा बना रहे थे, अब इसका हम 1 का 5 करेंगे। ठीक है, 1 धागा अपनी तरफ, अभी छोड़ना नहीं है इसको, 2, फिर धागा अपनी तरफ, छोड़ना नहीं है इसको, और 3। 3 दफ़ा आपने बुना है, 2 जाली पड़ गई तो 5 बन गए। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, 1, 2, 3। उसके बाद फिर 1 ही जो है ये हम सीधा बनाएंगे, इसको हम 1 का 5 नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर धागा की तरफ 3 उल्टे, 1, 2, 3। अब ये जो है इसका फिर हम 1 का 5 करेंगे। ठीक है, 1 छोड़ना नहीं है इसको, 2 धागा अपनी तरफ करके और फिर धागा अपनी तरफ करके 3, अच्छा 5 बन गए। अब 3 उल्टे, 1, 2, 3। ठीक है, अब ये जो है इसको हम सीधा बनाएंगे, फंदे को 1 बना लिया। अब 3 उल्टे, 1, 2, 3 और आखिरी एच स्टिच उल्टा। ये हमारी थर्ड रो थी। रॉन्ग साइड से जैसे जो नज़र आता है वैसे उसको बनाएं। ये 3 सीधे हैं, फिर एक उल्टा है, फिर 3 सीधे हैं, फिर 5 उल्टे हैं। चलिए इसको बना के मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 पहला स्लिप, 3 सीधे, 1 उल्टा, फिर 3 सीधे, 1
टू थ्री, फिर पांच उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव। ये जो हमने एक फंदे से पांच निकाले थे ये वो हमने उल्टे बने हैं। तो फिर तीन सीधे, वन टू थ्री, उसके बाद एक उल्टा, फिर उसके बाद पांच सीधे, दो तीन सीधे, वन टू थ्री, उसके बाद ये पांच उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव और तीन सीधे और आखिरी एच स्टिच उल्टा बना लें। अब हमने हर जो उल्टी रो है वो हमने जो जैसा नज़र आएगा वैसा हम बनाएंगे। सो आई टू रोज़ के जो मैं आपको थोड़ा डिफरेंट होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम ये हमारी फिफ्थ रो है, पहला स्लिप, धागा पिटर, तीन उल्टे, वन टू थ्री, ये पांच सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर धागा पिटर, तीन उल्टे, वन टू थ्री, फिर एक के सीधा, फिर धागा की तरफ तीन उल्टे, वन टू थ्री, फिर उसके बाद पांच सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर धागा की तरफ तीन उल्टे, वन टू थ्री, फिर एक सीधा, फिर तीन उल्टे, वन टू थ्री और आखिरी एच स्टिच उल्टा। अब रॉन्ग साइड जो है ये हमारी फोर्थ रो थी। अब रॉन्ग साइड जो फिफ्थ रो जो है वो आपको जैसे मैंने बताया हुआ है वैसे बनानी है, जैसे जो नज़र आ रहा है वैसे बनाएं उसको आप। तो मैं सिक्स रो पे फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा देखेंगे, हमारी अब सिक्स रो है। तो अब हमने वैसे तो दो जो बेसिक रोज थे उसके अलावा हमारी ये पांचवी रो है, डिज़ाइन जब जहाँ से शुरू हुआ है ना वहाँ से फिफ्थ रो है हमारी, वन टू थ्री फोर और ये फिफ्थ रो। अच्छा पहला स्लिप कर लें और तीन उल्टे धागा पिटर करके, वन टू थ्री, और ये पांच हम जो सीधे जो हमने बनाए थे पांच बढ़ाए थे इनको अब सीधा बनाएं, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा अपनी तरफ तीन उल्टे, वन टू थ्री, फिर एक ये सीधा, फिर तीन उल्टे धागा अपनी तरफ करके, वन टू और थ्री, फिर पांच सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा अपनी तरफ तीन उल्टे, वन टू थ्री और एक ये सीधा और तीन उल्टे, वन टू थ्री और आखिरी एच स्टिच भी उल्टा। अब जो रॉन्ग साइड है ये हमारी सेवन्थ रो, तो अब आपने इसको जैसा जो नज़र आए वैसा बनाए। अब हमारी टेंथ रो है, तो अब देखें इसको बड़े गौर से देखिए, सेकंड लास्ट रो हमारी है। पहला स्लिप, धागा अपनी तरफ तीन उल्टे, वन टू थ्री। अब आपने ये तीन उल्टे बुने ना, आपने इन जो पांच सीधे थे इनको भी उल्टा बनाना है, वन टू थ्री फोर और फाइव, इनको भी उल्टा बनाना है, ठीक है। और ये जो उल्टे तीन इनको भी उल्टा बनाए, वन टू थ्री, एक जो सीधा है इसको सीधा बनाए, फिर तीन उल्टे बनाए,
और ये जो पांच है इनको उल्टा बनाएं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये जो है इनको तो उल्टा बनाना ही बनाना है आपने, 1, 2, 3, फिर एक सीधा आ गया, इसको सीधा बनाएं, फिर 3 उल्टे, बल्कि 4 उल्टे, आखिरी एच डी भी शामिल है। अच्छा, ये 2 रोज़ जो है ना, ये 10th और 11th जो है ये इम्पोर्टेंट है, चेंज है ये इनमें। पहला स्लिप 3 सीधे, 1, 2, 3, एक उल्टा, फिर 3 सीधे, 1, 2, 3। अब ये जो हमने उल्टे बनाते आ रहे हैं, साइड से सीधे और साइड से उल्टे पांच, इनको आपने, पांचों को आपने एक बनाना है, एक ऐसे गैदर करके, और इनको उसको कस लें धागे को, धागे पीछे करके ये 3 सीधे बना लें, 1, 2, 3, और एक उल्टा जो हम यहाँ से ये सीधा बना दें, फिर 3 सीधे, 1, 2, 3, उसके बाद फिर ये 5 का आपने एक बनाना है, और इसको कस लें, उसके बाद फिर 3 सीधे, 1, 2, 3, और आखिरी उल्टा एज स्टिच। अब ये देखें, 2 हमारी, ये 2 पॉपी बन गए हमारे, और ये 2 हमारी जो हैं स्टेम्स हैं। अच्छा, अब इन स्टेम्स पे हम फिर फूल बनाएंगे। अब हमारी 11th रो थी पहले, ये हमारी 12th रो है। अब 12th रो पे ऑल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। यानी इन पे हम ये जो जो एक फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे, और ये सीधा इसके 5 बनाएंगे, और इस तरह ये भी सीधा बनाएंगे, और फिर ये जो है ये इसके 1 के 5 बनाएंगे। हम देखिए, तो ये जो है ये आप बनाइए, बड़ा इजी है, और इसको आप मुख्तलिफ पैटर्न, इस पैटर्न को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।